चलो थोड़ा उधर ही खेलेगा। अरे 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 गाइस, ये चेक करो, ये चेक करो, इसको वीडियो की पड़ी हुई है, मैं इसको बताता हूँ। वेट पहले पक्का करके। हाँ हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है यार। आई होप सब लोग ठीक होंगे, जो लोग न्यू हैं उनको वेलकम हो गया, और जो लोग मेरे साथ हैं उनको लव यू हो गया। सो यार कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का वक्त ही उठ गए हैं, मॉर्निंग हो गया सबको, गुड मॉर्निंग हो गया। और सुनाओ यार, सब लोग ठीक है, ठीक ठाक है। अभी यार फुल मैंने बोला उठ गया हूँ, टाइम टू टाइम उठ गया था, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था आपके भाई ने, तो अभी मैं सुबह सुबह का वक्त है। और आज अगेन जुम्मा है माशाल्लाह से। आप कहेंगे यार ये जुम्मे को ही उठता है, जुम्मे को वीडियो, ऐसा नहीं है। और जो पिछली वीडियो मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको एडिटिंग करने में अपलोड करने में थोड़े से दिन लगे थे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। सो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। और यार सुबह सुबह उठे, चलते हैं अंदर। ओ ये हालत देखो यार, ये कैसे अंदर जाऊँ, हालत देख रहे हो ये। तो भाई आपका भाई यहाँ बनाता है अक्सर इंट्रो, तो कोई इतनी प्रोफेशनल जगह नहीं है यार। अपन सादे से लोग हैं, गरीब से लोग हैं भाई, कोई इतनी प्रोफेशनल जगह नहीं। यहाँ रोशनी वगैरह होती तो आपका भाई फुल इजी होके बनाता है। और मुझे सुबह सुबह के वक्त मॉर्निंग में धूप एकदम अच्छा लगता है। तो अभी आपका भाई फ्रेश होके आया, और बालों की देख रहे हो हालत यार। अभी आपके भाई ने ना शावर लिया और साथ में किया शैम्पू, तो जिस दिन मैं शैम्पू करता हूँ शावर लेता हूँ बाल ही नहीं बनते मेरे। तो अभी फिलहाल इनको ऐसे ही छोड़ेंगे कुछ देर, ताकि थोड़े से ये हो जाए, अभी तो गीले हुए हैं, थोड़े सूख जाएँ तो फिर सही से बनेंगे। सो यार आई होप सब लोग ठीक होंगे, आप लोग सब ओके होंगे। तो यार थैंक यू सो मच, प्यार व्यार दिखाओ वीडियोज़ को। अभी आपके भाई ने एक वीडियो और अपलोड किया भी मैंने, कौन सी वीडियो की, हाँ जिसमें वॉच ली है मैंने। अभी मैं रात को इसकी एडिटिंग कर रहा था, और मैंने अभी सुबह इस टाइम मतलब आज के दिन ही अपलोड हो जाएगी ये व्लॉग, जो इंशाल्लाह अगले दिन या उससे अगले दिन अपलोड हो जाएगा। क्योंकि यार एडिटिंग करने में, व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, और भी काम होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं रात को अगर एडिटिंग करने बैठता हूँ तो 6-6 घंटे लग जाते हैं यार। लेकिन आप लोग चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं, प्यार दिखाया करो यार, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा भाई। सो लेट्स गो, चलते हैं बाहर, बैठ की तरफ देखते हैं क्या सीन है, नमाज भी पढ़नी है और बाहर असल को भी देखते हैं। तो चलो यार बाहर चलते हैं। उड़ी जी कौन है, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। तो गाइस को बताते हैं ये कौन है, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी बताओ कौन हो आप, कौन अभी उठो। सो गाइस ये है तोराब अली मोहम्मद तोराब, ये भाई मोहम्मद तोराब है, और ये कुबरा के छोटे भाई हैं। इनको वैसे मैं पहले कभी व्लॉग में लाया नहीं, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ ये भाई साहब सोए होते हैं, तो अभी ये उठे हैं तो इनको वीडियो बना रहे हैं। क्या 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 क्या, तो बताओ। अभी गिर गया अभी गिर गया। तो जल्दी से उठो, बोलो भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी करो। और अभी जुमे का वक्त देख लो, मैं सब खुतबा कर रहे हैं, तो बेटा नमाज पढ़नी है। तो ये अभी आ गया मेरे पास, जिनको पता है वीडियोस में मैंने रील्स वगैरह लगाई हैं, तो आपकी माशाल्लाह वीडियोस और रील काफ़ी वायरल भी हुई हैं, तो जाके वो भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग में, इंशाल्लाह तो आपको भी लेके आया करेंगे। और कुबरा मैडम तो अभी सोई हुई है, काफ़ी टाइम से मैं कुबरा को नहीं ला रहा। सो यार अभी चलते हैं बाहर, बीच में हमें तोराब मिल गया तो मैंने क्यों ना इंट्रोड्यूस करवा दें। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं बाहर। हाँ जी तोराब, तो आप इधर ही रहो, मैं आता हूँ नमाज पढ़ के, ठीक है, जब तक आप इधर खेलो, ठीक है। रूम मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी तोराब साहब खेल रहे हैं, घर वाले यार सोए हुए हैं गाइस, तो अभी तोराब को इधर ही छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यार ये खेलता रहेगा जब तक मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ। सो अभी लेट्स गो, चलते हैं बाहर, और गेट मैंने बंद कर, ठीक है इधर ही खेलना, ओके बाय, खेलो। चलो तोराब उधर ही खेलेगा। अरे 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 गाइस, ये चेक करो, ये चेक करो भाई साहब को, ये चेक करो, इसको चेक, क्या कर रहा है, बना रहा है। अच्छा गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, इसने लगाए हुए एयरपोर्ट्स, पर इसको पता नहीं है कि क्या कर रहा है, ठीक है। ये बना रहा है टिकटॉक, क्योंकि इसने मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले फ़ोन बनवाया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से झुक के देखते हैं ये लगा हुआ है, वीडियो बना रहा, बना किस चीज़ का है। अच्छा पता नहीं लगेगा इसको, वो पड़े हुए एयरपोर्ट्स, ये मेरे ही एयरपोर्ट्स, उसको ये भी बताता हूँ, ये पड़े मेरे एयरपोर्ट्स,
और ये कर रहा है डांस, ये बना रहा है वीडियो। इसको मैं बताता हूँ, जुम्मे के दिन इसको वीडियो भी पड़ी हुई है, तो मैं इसको बताता हूँ। वेट पहले पक्का करके, हाँ, स्टेप चेक कर रहे हो स्टेप। इसने ना गाइस ये वाला गेट भी बंद किया है, ताकि यहाँ बाहर से भी कोई आए, जब गेट वेट लॉक हो तो ये आके खुद ही खोले। सामने से घर वाले भी सोए हुए, ये भी घर वाले सोए हुए, वो सामने, मैं उधर सोते रूम में, और ये इधर लगा हुआ है टिकटॉक बनाने। और तकरीबन नमाज का वक्त हो रहा है, ठीक है, और मैं तैयार हूँ नमाज के लिए, और मैं हसन को लेने आ रहा हूँ कि यार चल नमाज से चलते हैं, और इधर टिकटॉक बना रहा है। इसको तो मैं कर लेता हूँ सेट, ये टिकटॉक, ये कौन सी टिकटॉक बना रहा है भाई, दो मिनट इसको देखते हैं। आओ इसके कान में एयरपोर्ट लगे हुए ना, हाँ देख लेता हूँ ये साले। तू जुम्मे के दिन ये क्या कर रहा है? वो नाते लगाई हुई थी मैंने। लातों में कौन ये डांस करता है, मुझे ये तो बता। वो बस ऐसे म्यूजिक आ गया था सामने। नहीं तो अच्छा, तो ये कौन सी नाच थी जिस पे तू यूं कर रहा था? मस्त जोक मारा। ये कौन सी नाच थी यार? झूठ बोलो बना रहा था। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो यार, ये देख रहे हो कितना बड़ा फिल्म है ये। इसको पता नहीं कि मैं पिछले दो मिनट से, और इसने कान पे एयरपोर्ट, ये रहे एयरपोर्ट्स, ये मेरा ना एयरपोर्ट यूज कर रहे हो ना? नहीं वो कल लेके आया था मैं इतना मारूंगा ये रोनिन के मेरे। झूठ ना बोला कर। अच्छा कौन सी वीडियो बना रहा? अच्छा जी ये वीडियो थी गाइस जो ये बना रहा था। देखो धमाल डाल रहा हूं। अच्छा अबे जुम्मे के दिन साले धमाल, म्यूजिक ऑन कर इसका, धमाल का मैं तुझे बताता हूँ, म्यूजिक ऑन कर, दो मिनट गाइस मैं आपको म्यूजिक ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ ये नाच है गाइस, ये नाच चल रही है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये क्या है? वो नाच लग रही थी। ये नाच लग रही थी ऐसा, ये गाइस ऐसा कोई फिल्म में शर्म नहीं आ रही। सुधर जाओ, इसी वजह से साले तेरे को कोई सेहत नहीं मिलती, तेरे साथ सीन होते रहते हैं। तेरे को नजर लगी थी, नजर इन्हीं हरकतों से लग रही है। जुम्मे के वक्त इसको डांस हो जा, वो फुल एंगल में आया, फुल मोड में आया, यूं कर रहा है। और मुझे पता था अगर इसने एयरपोर्ट नहीं लगाया तो गाइस इसको पता लग जाता, मैंने गेट खोला था, आवाज आया थी। लेकिन मुझे पता है इनका साउंड इतना ज्यादा है क्योंकि मैं एडिटिंग के टाइम यही यूज करता हूँ, ये मेरे एयरपोर्ट है, तो मुझे पता है कि इनका इतना साउंड, इसको आवाज नहीं, तो मैं जैसे हूँ भाई साहब लगा हुआ है। बेटा आप जल्दी करो और नमाज पे चलो, और बाकी मैं तेरी तुम्हारी कर लेता हूँ, टेंशन नहीं लो। बाकी टिकटॉक साले ऐसी नमाजें भी नहीं कबूल होंगी, जुम्मे के दिन टिकटॉक लगा हुआ बना रहे। सो लेट्स गो, जल्दी चलो गाइस, अभी तो देर हो रही है, इसका कर लेते सेटिंग, इसकी बना लेते सेटिंग। वैसे गाइस हसन कमाल टिकटॉक बना रहा था अभी इस टाइम कैमरे के पीछे, मोबाइल तो दिखाओ कौन से में टिकटॉक बना रहा था जरा। गाइस मैं आपको इसका फोन दिखाता हूं, कौन सा फोन था? आईफोन। ओहो गाइस ये इसने आईफोन लिया है, ये कहां जय जहासन साहब जॉब पे माशाल्लाह लगे हैं तो अपने पैसे जमा करके उन्होंने आईफोन लिया, और मैं दिखाता हूं इसने लिया था, और ये नॉन पीटी है ना, नॉन पीटी है, और ये तीन दिन बाद खराब हो गया था, अकेला ही लेके आया था, मैंने कहा था मुझे लेके चलना साल, लेकिन अकेला ही लाया था। मैं आपको फोन की कंडीशन दिखा देता हूँ, ये चेक करो, मारना तेरा कैमरा। हाँ 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 क्या फोन हो रहा है भाई साहब, अपनी मर्जी से लेके आए, लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि मेरे को मोबाइल दिला दो, आपने दिलाया ही नहीं। बेटा अभी पैसे ऐसे है नहीं, सिंपल सी बात है गाइस। वैसे मैंने हसन से वादा किया हुआ कि हसन को और आपी को मैं फोन दिलाऊंगा, जब भी अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पकड़ा, जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो मैं हसन और आपी को जरूर फोन दिलाऊंगा। लेकिन यार क्या करूं हसन, अभी तक तकरीबन हमें काफी टाइम हो गया, 8-9 महीने होने वाले, तो अभी तक हमारा कितने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना कोई इतने व्यूज आते हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं कर रहा, तो यार आप लोग सपोर्ट करो चैनल को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, आप लोग प्यार दिखाओ। ये मेरा वादा है हसन से कि जिस दिन, ये हसन से मेरा वादा है गाइस, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, हसन को और आप ही को मैं फोन दिलाऊंगा हसन से, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं हसन को जरूर दिलाऊंगा। लेकिन जब चैनल मोनेटाइज होगा, जाहिर सी बात है अभी जो है एक फिक्स सैलरी है, तो घर पे करना, घर के सारे मामला देखने, अपने काम देखने, तो हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये कि इंशाल्लाह जब भी मेरे अल्लाह पाक में चाहता हूँ मैं ज़रूर दिलाऊंगा। ये कि यार हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मैं हो गया, हसन हो गया, तो यार आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हसन
ये लोग प्यार दिखाएंगे, ये लोग सपोर्ट करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मेरा वादा है, जिस दिन मेरा चैनल असल मोनेटाइज हुआ, जिस दिन भी हुआ, आपका और आपकी का फोन आएगा, ये मैं ऑडियंस के सामने कह रहा हूँ। तो ऑडियंस को कहो कि यार हमारे चैनल को प्यार करें, मतलब हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल मोनेटाइज करवाएं, तो मैं आपका जल्दी से फोन ले आऊँ। हमारे चैनल को यार सपोर्ट दो, सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो यार? बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियोस बनाते हैं, वीडियो प्लेस बनाते हैं, मतलब वीडियो कहीं और जाते हैं प्लेसों पे, ऐसे वीडियो बनाते हैं। तुर्कुत उस्मान का भी आपको दिखाया, वो रहने नहीं दिया। ये बात हकीकत है गाइस, हसन सही कह रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। आपको 10 मिनट का 15 मिनट का क्लिप लगता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। तो यार ऐसे ही चैनल को प्यार करो, प्लीज सपोर्ट दिखाओ, ताकि यार हसन का फोन आया। यार हसन 6S यूज कर रहा है, लेकिन वो टूटा हुआ है, और सेकंड ईयर के नॉन पीटी वो सही नहीं है। जिस दिन हसन लाया था, 3 दिन बाद खराब हो गया था। हसन मेरे पास आया, यार मामू खराब हो गया, बोला इट्स ओके, अल्लाह मालिक, हो जाएगा सही, तो उसको करवा दिया सही। लेकिन सपोर्ट दिखाओ तो हसन को VIP और बिल्कुल न्यू फोन देंगे, ऐसे ही है। तो अभी लेट्स गो, चलते हैं, देर हो रही है, क्योंकि अभी जाके कुछ खुतबा भी सुनना, खुतबा सुनना लाजमी होता है। तो चले भाई, चलो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए हम घर, गेट को कर लेते हैं लॉक, क्योंकि यार मैंने एक आपसे जरूरी बात करनी थी। सो बात क्या थी मैं वो भी बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बैठ जाते हैं। सो यार गाइस, बात ये थी कि मुझे पता है कि अभी हसन मुझे कितनी दफ़ा हसन ने बोल चुका, तो मैंने हसन के अबाउट ही बात करनी थी। बेसिकली यार मैंने हसन से प्रॉमिस किया हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हसन और आपसे प्रॉमिस किया हुआ कि जब भी चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैं आपको फ़ोन लेके दूंगा। तो यार बस मेरा पर्सनल वीडियो बनाने का ये मतलब है, घर आके अकेले में मैंने हसन को भी बाहर भेज दिया कि जाओ घर वालों के लिए नाश्ता वगैरह लाओ, क्योंकि उसके सामने बात करता तो कुछ भी है, बच्चा है बेशक, लेकिन माशाल्लाह समझदार है, इंसान को थोड़ा सा वो फील होता है। तो यार बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि टाइम भी नहीं है, मैंने भी जाना है, तो बस इतना ही कहूँगा यार, मैंने हसन से वादा किया, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, ताकि जल्दी से जल्दी यार चैनल मोनेटाइज हो। तकरीबन साल होने वाला है, तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना इतना वॉच टाइम है। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि यार आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा, अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा, आपको एंटरटेन कर पाऊंगा, और मैं उनको उनसे किया हुआ वादा पूरा कर पाऊंगा। तो यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जितनी जल्दी इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज होगा मैं उतनी जल्दी हसन को दिलाऊंगा। और ये मेरा अलग से वीडियो बनाने का मतलब इसलिए था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर कर सकूं, क्योंकि कुछ बातें होती हैं और सामने नहीं कर पाते, आखिरकार बच्चा है वो भी क्या सोचेगा कि यार मैंने बोला हुआ है तो मामू मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं। कुछ भी है, यंग बच्चे हैं, हम भी इस एज से गुजरे हुए, तो हमें भी पता है, लेकिन आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही प्यार दिखाओ, जो लोग प्यार करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो लोग नहीं हैं वो भी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो यार सब लोग प्यार दिखाओ, मिलके भाई के चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट करो। सो लेट्स गो, अब चलते हैं जॉब पे, बहुत देर हो रही है। चलो यार अपने दोस्तों से मिल लो। हाँ भाई आ गया, चलो ये ले लो, हो जाओ शुरू। सो लेट्स गो, अब चलते हैं यार, देर हो रही है। अच्छा नहीं, क्या लेने आया? शूज। किसने भेजा? इजाज भाई ने। इजाज भाई ने, सही है, मैं दे रहा हूँ। गाइज ये मैं इसके लिए लाया था शूज कल, ठीक है, चीज उससे, और इसकी ट्रीट रख दी इस बंदे पे, और ये अभी मुझे ट्रीट देगा। शूज तो खैर दिखाओ, बिल्कुल न्यू, फाड़ दो शॉपर को। ये लड़के के लिए न्यू शूज है, ब्रांड न्यू। तो ब्रांड न्यू नहीं है? अच्छा, अब तो मंगवा है। तो भाई मेहनत किसकी थी? आप। हाँ तो फिर यार अफसोस की बात है, मतलब ये देखो इतनी टेपिंग करके, इतना केयरफुल इंसान, इतने बच्चों को इतनी ख्याल नहीं रखता जितना मैंने तुम्हारे शूज के डब्बे को रखा है। ये चेक करो, बिल्कुल पहनो अभी, राइट नाउ पहन लो। खैर विदाउट सॉक्स पहन लो। पागल हो गया, विदाउट सॉक्स नहीं पहनता। अच्छा चलो यार, बाकी ट्रीट मैं तुमसे लेता हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी है, बाहर आ गया, लेकिन बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। तो बाहर आपका भाई क्यों आया? क्योंकि जो हमारे पार्टनर साहब हैं वो स्टॉक लेके आए, अभी स्टॉक रिसीव करने जा रहे हैं, ये देना है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो बाहर बैग लेके खड़ा होगा, तो आपका भाई जॉब पे, और वो स्टॉक बाहर से ला रहा है, तो उसकी हमने गेट पास बनाया, एंट्री बनवाई है, तो अब जल्दी से देखे उससे लेते हैं, आ जाओ फौरन। अरे पार्टनर आशा, क्या हाल है? ले गेट पास बनवा लिया, मैं उसको दूँ, फिर चलते हैं, ठीक है।
हाँ जी, तो यार हमने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, परफ्यूम बैग रिसीव कर लिए, स्टॉक आ गया हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, सीन पता है क्या पूरा? इधर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें भी इधर इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि अमान के लिए मैं लाया हूँ रात को शूज, ठीक है? और बहुत ख्वार हूँ सीरियस, लेकिन वो भाई अपना ऐसे नहीं, बिग लव है उससे। अब ये कि उसकी तरफ है ट्रीट, उसने मुझसे वादा किया था कि अली मैं तुम्हें दूंगा ट्रीट, तो गाइज अब ट्रीट जिसने बोला वो बनती तो है। तो वो वेट कर रहा था तुम्हारा। अच्छा, वो कह रहा था यार मजर आएगा, उससे पूछते हैं कि क्या सीन है, मतलब क्या मंगवाना है। तो फिर क्या सीन है? तो बस वो फिर ये कि आज हाईवे पे जाना है। अबे अबे मालिक, अपन जॉब पे हैं, वो हाई छोड़ के हमें सीधा वे दिखा देंगे जॉब वाले। बीच में तो हाई निकल जाएगा। तो सीन ये है कि अभी कुछ उससे कहेंगे हमें खाने को, हम कुछ खाने के लिए मंगवा लेंगे। तो कह रहा था जो आप लोग कहोगे वो मैं मंगवा लूंगा। तो डन सीन हो गया, ठीक है। तो गाइस अभी चल के, बस तुमने फील नहीं होना, तुम यार ट्रीट है, तुम भाई ट्रीट है तो मंगवा लो, मस्त ही है, ठीक है। तो अब चलते हैं मान के पास। अरे आगे भाई इवेंट में आगे। तो गाइस ये इवेंट चल रहा है बेटा, ये अल्फलाल इवेंट करवा रहे हैं। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं फोटो बूथ की तरफ, जहाँ पे जाके आप लोग अपनी मजेदार सी सेल्फीज ले सकते हैं, और इसको हैशटैग करना बिल्कुल ना भूलें, #LuckyNumberAll #BankAlfala। बेटा अल्फलाल बैंक में है आपका अकाउंट? अगर अकाउंट है तो जल्दी से डलवा दो। वो देख रहे हो, वो बाइक दे रहे हैं। और जिसको बाइक मिलेगी ना, इधर आओ, इस बॉक्स में बंद करेंगे उसको और उसको डांस करवाएंगे, वो नाचेगा इधर, फिर इधर नाचेगा, फिर उसके बाद बाइक मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये सीन है। तो ये चीज बहुत ही मजेदार बाइक अल्फलाल ने हमें दी। बाकी गाइस बहुत अच्छा लगा, बाइक ये भी है, बहुत सारे और जिंदगी में आसानी होगी हमारे, ये भी बाइक बैंक अल्फलाल आपका काम करता रहेगा। और यहाँ पर एक फैमिली पिक्चर बनाने के लिए आप लोग हमारे इस फूड बूथ में तशरीफ लाए और अपनी मजेदार सेल्फीज, यादगार पिक्चर्स बनाए, और जिसको आप लोग अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अपलोड करके एंजॉय। यार ऐसे पिक्चर हम भी बना सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर है, और इसके साथ साथ आपको दिया जाएगा लकी ड्रॉ के जरिए। इसके अंदर जाएंगे। ओहो, मैं भी आता हूँ। मगर ये अमान की तरफ से फुल विशाल, ये अमान भाई की तरफ से ट्रीट है भाई हमें। अमान भाई थैंक यू, और फिलहाल अमान भाई को सेहत दे जन्नतुल फरदौस में। मस्त जोक मारा जन्नतुल। अमान भाई का भी थैंक यू सो मच, ठीक है पार्टनर, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ओके मेरी यार। हाँ तो गाइस ऑफ हो गई हमारी, और यार अमान भाई ने ट्रीट बहुत अच्छी दी। आज अमान भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रीट दी है। अमान भाई थैंक यू सो मच यार, बिग लव, बाकी इंशाल्लाह ऐसी चीजें मंगवाते रहो और ट्रीट देते रहो और खुश रहो, खुद भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ। तो यार गाइस आई होप यार आपको ब्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि अभी क्लोजिंग हो गई है, अभी घर जाना है फौरन से। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन जरूर दबा दो, और एंड में बिग लव, बिग लव, ठीक है, टाटा बाय बाय।